जाटका टेल्स विद रॉब। हाय गाइस, आई एम रॉब और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक जातक कहानी जिसका नाम है द लायन इन बैड कंपनी। सो हियर गोज। एक दिन एक यंग शेर जंगल में अकेले घूमने निकला। कुछ दूर चलकर उसने झाड़ियों में एक भेड़िये को देखा। भेड़िया समझते हो ना? भेड़िया मतलब वुल्फ। और भेड़िये ने भी शेर को देख लिया और शेर को देखकर बिल्कुल डर गया। उसे लगा कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो शेर उसको पकड़ के खा जाएगा। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। वो खुद ही शेर के पास जा पहुंचा और शेर से कहने लगा, माय प्रिंस, यू आर वेरी काइंड। यदि आप मुझे ना मारे और अपनी गुफा में ले जाएं और वहां मुझे अपने परिवार के साथ रहने का मौका दें तो मैं आपके घर के छोटे छोटे काम कर दिया करूंगा। मैंने आप जैसे महान शेर को पहले कभी नहीं देखा। मुझे आपकी और आपके परिवार की सेवा करने में बहुत खुशी मिलेगी। यंग शेर को उसके पापा शेर ने और मम्मी शेर ने पहले से ही भेड़ियों से दोस्ती करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन यंग शेर भेड़िये की मीठी मीठी बातों में आ गया और यंग शेर भेड़िये को अपने साथ अपनी गुफा में ले आया। पापा शेर और मम्मा शेर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी भी भेड़िये से दोस्ती करे, पर वो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। यंग शेर ने भेड़िये को बहुत सारा प्यार दिया और उसने उसको अपना BFF यानी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बना लिया था। लेकिन यंग शेर के पेरेंट्स चलाक भेड़िये के बारे में एकदम सही थे। क्यों? क्योंकि आगे आगे सुनो होता है क्या। एक दिन भेड़िये को शिकार करने का मन हुआ और उसने उस यंग शेर से कहा, माय डियर प्रिंस, अब समय आ चुका है कि हम जंगल में जाएं और शिकार करें। यंग लायन भेड़िये की अब ज्यादातर बात सुनने लगा था, इसलिए वो जंगल में चला गया और भेड़िये के साथ मिलकर दूसरे जानवरों को परेशान करने लगा। भेड़िया शेर के साथ अपने आप को भी जंगल का राजा समझने लग गया था। सभी जानवर पापा शेर और मम्मा शेर के पास शिकायतें लेके आए, लेकिन यंग शेर अपने दोस्त भेड़िये के बारे में कुछ बुरा सुनना नहीं चाहता था। फिर एक दिन उस जंगल में एक राजा कुछ सिपाहियों के साथ जा रहा था, लेकिन रात होने के कारण वो जंगल के बीच में ही रुक गया। बस फिर क्या था, चलाक भेड़िये के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने यंग लायन से उन सिपाहियों के साथ युद्ध करने को कहा। और यंग लायन ने बिना कुछ सोचे समझे राजा के कैंप पर हमला कर दिया। लेकिन सिपाही बहुत थे तो उन्होंने यंग शेर को पकड़ लिया। यंग शेर ने भेड़ियों को बहुत चिल्लाया, हेल्प हेल्प बहुत बुलाया, लेकिन भेड़िये ने देखा कि कहीं मैं भी ना फंस जाऊं तो वो वहां से भाग गया। बेचारे यंग शेर को बहुत दुख हुआ कि उसका फ्रेंड उसकी हेल्प करने नहीं आया, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था, वो बेचारा कैद जो हो चुका था। फिर एक छोटी सी क्यूट सी गिलहरी ने पापा शेर और मम्मा शेर को अपने यंग लायन के कैप्चर के बारे में बताया और वो ये सुनते ही तुरंत अपने बेटे को छुड़ाने के लिए चले और पापा और मम्मा शेर ने यंग शेर को फ्री कर दिया। यंग शेर अपने फ्रेंड भेड़िये पर बहुत शर्मिंदा था, पर पापा और मम्मा शेर ने यंग शेर को सब भूल जाने को कहा। फिर क्या था, यंग शेर ने सारी बातें भुला दी और आगे से अपने पेरेंट्स की कही हुई सारी बातों को मानना शुरू कर दिया। सो फ्रेंड्स, नाउ टाइम इज फॉर मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? राइट, इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि किसी को भी अच्छी तरीके से जानने और पहचानने के बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए और अपने पेरेंट्स की कही हुई सारी बातों को मानना चाहिए। समझे गाइस? ओके बाय, आई विल मीट यू विथ अनदर स्टोरी वेरी सून एंड एज आई ऑलवेज से, डू गुड एंड बी गुड। पीस।